आपने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और इस तरह की वीडियोस आप भी बना सकते हो भी फ्री अनलिमिटेड। तो इसके लिए स्टेबल डिफ्यूजन यूज होता है। स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, आप इसको 2 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिर्फ मेरे 5 इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपने huggingface.com और github.com पे अपना फ्री अकाउंट बना लेना है और इन दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो इनकी। तो हमारा सेकेंड स्टेप है कि आपने gitforwindows.org पे आना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने आना है python.org पे और इधर आके आपने python 3.10.6 को डाउनलोड कर लेना है 64 बिट में या 32 बिट में। तो मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लिया और इनको इंस्टॉल भी कर लिया है और इनकी इंस्टॉलेशन का लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो लाइक CD। तो मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर ली है और इधर मैं स्टेबल नेम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और इसको हिट एंटर कर दूंगा। तो अभी हमने जो गिट फॉर विंडोज़ को इंस्टॉल किया था उसको ओपन करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और इधर टाइप करेंगे गिट, तो आपके सामने गिट बैश आएगा, आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने स्टेबल डिफ्यूजन को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, उसका पाथ टाइप करें लाइक डी और स्टेबल का फोल्डर का नाम टाइप करना है। तो इधर मैं टाइप करूँगा CD /D और स्टेबल फोल्डर जो है उसका नाम टाइप करेंगे और हिट एंटर कर देंगे। तो इसने हमारा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये इधर ही हमारे स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करेगा। तो अब हमने github.com ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में टाइप करना है automatic1111stablediffusion.webi। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो आपने इसके ग्रीन वाले कोड वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से ये URL को आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने गिट बैश को ओपन कर लेना है और इधर टाइप करना है आपने git /clone और इसके बाद आप ये पेस्ट कर देंगे URL जो आपने कॉपी किया था और इसको हिट एंटर कर देंगे। तो ये कुछ ही देर की प्रोसेसिंग करेगा और आपके सिलेक्टेड फोल्डर जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में उधर आपका वेब UI को इंस्टॉल कर देगा। तो ये देखें प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जाएंगे डी ड्राइव में स्टेबल के फोल्डर में और फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम इसके मॉडल्स इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम जाएंगे huggingface.co पे और इसके सर्च बार में टाइप करेंगे स्टेबल, आप इधर से कोई भी स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम v1.5 पे जाएंगे और इसकी फाइल एंड वर्जन में जाएंगे और इधर से आप CKPT फाइल कोई भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि 7GB वाली भी हो सकती है और 4GB वाली भी, और इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा जाएंगे सर्च बार में, इधर टाइप करेंगे स्टेबल और इधर से हम इस बार सेलेक्ट करेंगे स्टेबल v1.4 ओरिजिनल और इसके फाइल एंड वर्जन में जाएंगे और इधर भी CKPT फाइल 4GB या 7GB आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली, इसे कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और जहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन इंस्टॉल किया था डी ड्राइव में उसके फोल्डर में जाऊँगा स्टेबल और इसको ओपन करूँगा। इधर मैं जाऊँगा मॉडल्स वाले फोल्डर में, फिर जाऊँगा स्टेबल डिफ्यूजन में और इधर आके कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारी दोनों फाइल इधर पेस्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेबल डिफ्यूजन का इंट्रोडक्शन और इसको यूज़ करने की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए डेली इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है कि हमने स्टेबल डिफ्यूजन को रन करना है। उसके लिए हम स्टेबल डिफ्यूजन के मेन फोल्डर में जाएंगे और उधर हम स्क्रॉल डाउन करके web.ui.user.pat फाइल को ओपन करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और इसके लिए आपसे अच्छा खासा टाइम ले सकता है। अगर आपका क्रेडिट सिस्टम है तो ये आपसे 12 टू 15 मिनट्स कंज्यूम करेगा और सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद ये आपको एक URL दे देगा, आप इसको इधर से कॉपी कर लोगे और क्रोम ब्राउज़र में जाओगे और इधर जाके इसको पेस्ट करोगे और एंटर कर दोगे। तो ये देखिए हमारे पास स्टेबल डिफ्यूजन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इधर से इसके मॉडल्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने डाउनलोड किया था v1.4 और v1.5, इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना है और इधर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करनी है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट टाइप करनी है, मेथड चेंज कर सकते हैं और सैम्पलिंग को हम 150 पे ले जाएंगे और इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिल सके। और ये कुछ ही देर की प्रोसेसिंग के बाद इसने हमें एक अच्छी इमेज प्रोवाइड कर दी है।
तो आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।